नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। जिस यूपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई, उसी यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। जिस यूपी में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक 80 में से 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे, उसी यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया और एनडीए को 36 सीटें मिली। सबसे खास बात यह रही कि यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जहां बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान हुआ, वहीं उनके सहयोगी भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। उधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उनके प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी को कितना फायदा मिला, इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के अनुसार यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। इससे पार्टी को किसानों के बीच वोट पर पकड़ बनाने में मदद मिली। सर्वे से पता चला है कि यूपी में किसानों में से 40% ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जबकि 48% ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वहीं गैर किसानों में 45% ने इंडिया गठबंधन, जबकि 42% एनडीए के लिए मतदान दिया। गठबंधन के तहत आरएलडी के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीत ली। बदले में केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बना दिया गया। चुनाव के दौरान जयंत ने पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ संयुक्त सभाएं भी की और जब नतीजे आए तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 7 और उनकी पार्टी को 2 सीटें मिली, जबकि आरएलडी के प्रभाव वाले अमरोहा, मेरठ और मथुरा में बीजेपी को सफलता मिली। फिलहाल यूपी में चुनावी नतीजों के बाद समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने यूपी में अपने प्रदर्शन पर मंथन शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि उसे चुनाव में सहयोगियों का कितना साथ मिलता है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी ने घोसी सीट दी थी, लेकिन राजभर की पार्टी वो सीट भी हार गई और वहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली। वहीं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहीं निषाद पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो अपनी सीट पर भी नहीं निकल पाए। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी को अगर किसी से 100% नतीजे मिले हैं तो वो हैं जयंत चौधरी। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।